कहीं जोगी ने मेरी और आकाश की बातें तो नहीं सुन ली। हेलो जी, गए साले साहब? मैं और आकाश नीचे आए थे तो आंगन में तो कोई नहीं था, तो तुम ऐसे भगवान की तरह प्रकट कैसे हो गए? तुम खड़े थे, जब मैं नीचे आया तो यहां तो कोई भी नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है। ओए मेरी शक्की थानेदारनी, तेरा थर्ड डिग्री टॉर्चर हो गया हो तो मैं भी कुछ बता सकता हूं, हैं? यार मैं तो बस किचन में वाटर पीने गया था। अपना बस ये मत पूछने लग जाना कि उसमें ऑक्सीजन कितनी थी, कार्बन कितनी थी। वैसे अब आपके सारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो एक आधा सवाल मैं भी कर सकता हूं। ये साले साहब क्या करने आए थे, ऐसी कौन सी प्राइवेट बात थी? घर में सब ठीक तो है ना? ओ तू घबराना माही, सच ना सूरज की रोशनी की तरह होता है, एक ना एक दिन सबके सामने आ जाता है। उसके आगे कितने भी झूठ के काले बादल छाए हों, वो सबको चीर के एकदम बाहर आ जाता है। क्या कहना चाहता है जोगी? ओ ये कहना चाहता हूं कि एक ना एक दिन तेरा सच तेरे घर वालों के सामने आ ही जाएगा, और अगर बात सीधी उंगली से नहीं बनती तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वाओ, लर्निंग है। अब मैंने तो बल ही कहा था चोपड़ा परिवार में रह के तेरा कुछ नहीं बनने वाला, यहां तो फिर रात हो गई है ना, और सब सो भी गए हैं। सिर्फ हम दोनों ही जाके आए। सुना, एक्चुअली मुझे कुछ बात करनी थी अकेले में। If you don't mind, कमरे में चले। तू रहन दे, तुझसे नहीं होगा, तुझसे तो चला ही नहीं जा रहा ना। अब बता, और जब मुझे कोई चैलेंज करता ना तो चलना तो दूर की बात है, मैं उठता हुआ आता हूँ, है? और ये प्लास्टर क्या चीज है, मुझे तो रस्सियों में भी बांधो, मैं रस्सियां काट के फाड़ के आ दूंगा। तो ठीक है फिर, मैं जाती हूँ रूम में, तुसी आ जाना। मैं 10 तक गिनूंगी। एक काम करती हूँ, तेरे लिए 100 तक गिनूंगी, लेकिन टाइम से आना। मैं सोना चाहूं, रात बहुत हो गई है ना। सी यू।